मंडल फॉर्मूले पर काम करने वाले भाजपा के साथ ही कांग्रेस पर चुनावी साल में मंडलों का गठन अब करने जा रही है। दरअसल कांग्रेस की ओर से फैसला लिया गया है, पन्ना प्रमुख और पन्ना समितियों पर फोकस, भाजपा की रणनीति का तोड़ निकालने के लिए कांग्रेस का मंडल के फॉर्मूले को कारगर तरीके से ब्लॉक स्तर पर लागू करने के लिए सक्रिय हो गई है। इस सिलसिले में जिला स्तर पर संगठनात्मक शिविर आयोजित करके 15 जून तक प्रदेश भर के 72 ब्लॉक्स में 4 से 5 मंडलों का गठन करने का निर्णय लिया गया है। इसी कड़ी में हमीरपुर में सोमवार को जिला का संगठनात्मक यहां पर आयोजित हुआ है बैठक, और इस शिविर में हिमाचल कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र राणा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष इंद्रदत्त और लखनपाल, उपाध्यक्ष अनीता वर्मा, साथ ही जिला अध्यक्ष राजेंद्र जार यहां पर विशेष तौर पर मौजूद रहे। और हिमाचल कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र राणा ने कहा कि अब राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित हुए चिंतन शिविर में यह निर्णय लिया गया है कि इस निर्णय के तहत बूथ और ब्लॉक्स कांग्रेस कमेटी में समन्वय स्थापित करने के लिए ये मंडल और मंडल अध्यक्ष कार्य करेंगे। बीजेपी तो झूठ बोलती बोलती है, केजरीवाल उससे भी झूठ ज्यादा झूठ बोलते हैं। उनको पता ही नहीं कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से उन्होंने आंकड़े यहाँ पेश किए, किसने उनको चिट दी, किसने उनको जानकारी दी, कहाँ से उन्होंने जानकारी उठाई कि 2000 स्कूलों में एक टीचर है, 1700 स्कूल ऐसे जहाँ टीचर नहीं है। तो ऐसी ऐसी जानकारी जो दे रहे थे, मुझे लग रहा है वो दिल्ली से आते हैं और जो उनको चिट देता है वैसे पढ़ पढ़ के चले जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के लोग पढ़े लिखे हैं, जो अमन चैन शांति पंजाब में थी वो शांति जो थी वो अशांति में बदल गई। आज पंजाब में त्राही त्राही मची हुई है, लोग जो है परेशान हो रहे हैं, लोगों के कत्ल हो रहे हैं, लोग जो है उनकी जान सुरक्षित नहीं है।